अगर ये मेरी औलाद ना होता ना तो सरसों का तेल लगा के सबसे पहले इसकी गांड मारता, सुबह उठा देता सुअर का बच्चा। पापा उठ गए, जा जाके बाहर खेल, यहाँ सुअर मत काट, जा। ए यार तुझसे कही थी ये चप्पल टूट गए किसी काम के ना, किसी फकीर उकीर को दे दिए, सुनती नहीं है भाई तू। ये गुस्सा पुस्सा मत दिखा मुझे, नाश्ता लगा फटाफट। हाँ अब यही काम रह गया, बर्तन भी साफ मैं ही करूँ, झाड़ू भी मैं ही लगाऊँ और दुनिया भर के काम भी मैं ही करूँ और सुबह उठ के नाश्ता भी तुम्हें दूँ। ए मुझोरी मत करना, जानती होगी एडवोकेट राजन त्रिपाठी, अगर लेने फैल गया ना तेरी 2-3 दिन तक लंबा लंबा कर दूंगा सुसरी। सुनो मेरी ओरिया कमर में दर्द, तुम झाड़ू लगाओ मैं लगाती हूँ नाश्ता। है कैसी केकड़ी, अब यही काम तो करेंगे हम, झाड़ू ही तो लगाएंगे, खुद लगा खुद। मिलो अब मैं चलिए अपने मैं के, अब सारा काम तुम करो अपने घर के। अरे यार जाने मन कैसी बातें कर रही है, तू नाराज हो गई, मैं कैसे के जाने का नाम मत ले यार, देखिए झाड़ू भी और पोछा भी मैं लगाऊंगा, तुझसे जरा सा भी काम नहीं कराऊंगा, टेंशन मत ले, तू मेरी राजकुमारी है यार, तुझसे काम थोड़ी कराऊंगा, मैं लगाऊंगा पोछा भी और झाड़ू भी। ले अरे त्रिपाठी साहब, देख लिया तूने कैसी लगाई है झाड़ू, ऐसे ही लगनी चाहिए रोज के रोज। सुसरी एक जमाने से तुझसे झाड़ू लगाने नहीं आ रही है, कल से ऐसी लगाना, जरा सी धूल अगर मिली मुझे तो तेरी कमर पे यही झाड़ू छाप दूँ। ये बातें किसी से कहने की नहीं होती हैं, घर की बातें हैं, घर में ही रहनी चाहिए, तू घर का आदमी है, जिगर मत करना किसी से। बाकी तो तुझे हिसाब पता ही है, ये जो बीबियां होती हैं ना ये सबकी चुलबुली होती हैं और हम मर्दों को इनकी सुननी पड़ती है, अगर ना सुनेंगे तो ये रात को देती नहीं है। अरे यार तो वकील साहब थोड़ा सा कंट्रोल भी कर ले करो अपने गुस्से पे, हर वक्त गुस्सा करते रहो। अरे गुस्से पे कंट्रोल ही तो नहीं होता मुझसे, हालांकि इस गुस्से के चक्कर में 10-20 बार पीट चुका हूँ मैं, फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अरे यार छोड़ो इन बातों को। जा मैं उतार और सामने से मेरे लिए 200 के पान बनवा के लेके आ, बहुत शानदार वाले। पैसे कह दिए वकील साहब ने भेजा, तेरे भाई का इधर कह रही है मैं उधार चलता दबा के। तुमसे बड़ा गंदा आदमी ना देखा यार, हर किसी से उधार मांगते हो, तुम्हें शर्म ना आती? नहीं और एक बात बता, उधार मुझे वो देगा, लेने वाला मैं हूँ, तेरी गांड में बीच में मिर्ची क्यों लग रही है? साले तेरा बाप लगा है, एक कोने में गटो है कला खा जाएगा, जाके पान लेके आ। अरे यार भाई साहब 200 का पान बना दियो जरा, सामने त्रिपाठी साहब मंगा रहे हैं। अबे यार इसका तो रोज रोज का यही हो गया। अरे यार भाई सब जल्दी बना दो, आज उनका मूड वैसे खराब है, सुबह उनकी बहू ने उन पे झाड़ू फेर दी। अच्छा भाई त्रिपाठी साहब टेंशन मत लियो, बहुएं सबकी ऐसी होती है, मेरी वाली खुद मुझे मारती है। हाथी के भोसड़े, ससुरी वाली के तुझसे एक रात छुपाया नहीं जाता, जानवर सबको बता दे। मैंने ऐसा थोड़ी बताई। बैग चल। यार आज लेट बोर्ड होगा, चैम्बर पे इंतजार कर रहे होंगे क्लाइंट बहुत सारे। अरे यार वकील साहब मुझसे तो झूठ मत ही बोलो, 2 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, एक भी केस ना आया अभी तक तुम्हारे पास, और कैसा गाड़ी चला रहा हो यार हल्के हल्के, अब तेज वेग चलाओ, पहिया वहिया उठाओ इसका। गाड़ियों के पहिए ना उठाने आने यार उससे, ऑटो की टांगे उठा लूं टांगे। अरे त्रिपाठी साहब आगे पुलिस खड़ी है, चलान कट रहे दिखे। पुलिस की टेंशन मत ले यार, कानून अपनी जेब में। फटाफट साइड में लगा ले भाई गाड़ी। रात से गाड़ी रोक ली दीवान जी, जानते ना हो क्या, ऐसा ना हो 2 मिनट में पूरी पुलिस फोर्स को लंबा लंबा कर दूं। अच्छा कहीं का मंत्री है विधायक है कौन है भाई, है कौन तो? अपने मुझे अपनी तारीफ ना करता हूँ मैं, पढ़ने आगे क्या लिख रही, पढ़ते ही फट जाएगी तेरी, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तू झुक मैं लू, तेरी सूरत देख के लग रही है तू पैसे दे के पुलिस में भर्ती हुआ भाड़ू अनपढ़, सही से पढ़ के लिख रही देखे भाई।
हाथी के भोसड़े क्या लिखवा के लाया है? तुमने तो कही कुछ अच्छा सा लिखवा लिए, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये लिखवा लाया। अबे सुश्री के मैंने ये कही थी कि साफ सुथरे अक्षरों में एडवोकेट राजन त्रिपाठी लिखवा के लाइए। साले गिरघट एडवोकेट हूँ। एडवोकेट राजन त्रिपाठी, तेरी गाड़ी साले सीज होगी, ना तेरे पास हेलमेट है ना तेरे पास इसके कागज होंगे। अरे ऐसे कैसे गाड़ी सीज कर दोगे? तुम्हारे बड़े साहब से भी बात कर रही हूँ, कपड़े उतरवा दूंगा यही खड़े खड़े। सुन, इनके साहब से कह रही है एडवोकेट त्रिपाठी साहब खड़े हैं बहुत गुस्से में, गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हो गई? मान से वकील साहब बड़ी भर के मार रहे हैं दरोगा जी, यूँ कह रहे हैं गाड़ी सीज ही होगी, चुपचाप गाड़ी छोड़ के चल लो। अरे ऐसे कैसे यार, तुझे हाथ लगा दिया, इनकी माँ का यार। चल 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 चलेंगे, चल। अब तो पुलिस खूब मानने लगी यार वकीलों को। ना ना त्रिपाठी साहब, जो बड़े वकीलों में है ना उन पे तो हाथ भी ना लगाती पुलिस, लेकिन ये छोटे मोटे जो हमें चुटपुट वाले इन्हें बहुत बुरा मारे। मेरे हिसाब से हम चुटपुट वकील हो गए हैं। ना ना मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसड़े बीच चौराहे पे गाड़ मार दूंगा तेरी, मेरे ही नौकर हो गए मेरे खिलाफ चलता, भालू धक्का दे दिया ना ढोंगे बरहाल हो जाएंगे। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। अरे कहाँ थे, आज बड़ी लेट हो गए। कहीं ना यार, रास्ते में तेरी बहू मिल गई, वो कहने लगी मुझे हरा भरा कर दो, मां लेट हो गया। उल्टा क्यों बोल लिया तू? तुम उससे बात क्यों कर रही है? अब अपनी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। भाड़ो चल जा। आवे त्रिपाठी साहब, सब बढ़िया है? बढ़िया भैया बंटी, क्या रहा उसका? कल तो लड़की वाले आए थे तुझे देखने। हाँ यार आए तो थे, लेकिन लड़की मुझे पसंद ना आई, मना कर दिया मैंने। लड़की तुझे पसंद ना आई? ये लड़की ने तुझे पसंद ना करा हाथी के चूरन। त्रिपाठी साहब कुछ बात करनी है। हाँ वकील साहब बताओ। एक चोरी का केस है, मैं चाहता हूँ तुम लड़ो। है? अबे यार वकील साहब मुझे केस दिलवा रहे हो, मैं तुम्हें कितना सुपर आदमी समझा रहा हूँ, पर तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा जिंदगी भर, लाओ दिलवाओ केस। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है चोरी करते हुए, साफ साफ दिखाई दे रही है वकील साहब, वो उसे बचाना। अबे यार जब चोरी करता हुआ साफ साफ दिख रहा है तो मैं क्या कोई भी वकील उसे ना बचा सकता? अब तो जान दो उसे जेल। सोच लो पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अबे पैसे के चक्कर में यार वकील साहब मैं अपना जमीर थोड़ी बेच दूंगा, जब वो चोरी कर रहा है और दिख रहा है तो जेल जाना चाहिए। पैसे का लालची नहीं हूँ, अपने जमीर का पक्का हूँ, जमीर नहीं बेचूंगा। 10-15 लाख रुपए मिली आते। हाँ तो दिलवाओ केस, मैं लड़ने तैयार हूँ। त्रिपाठी साहब और जमीर का क्या? जमीर देख रही है हाथी के कद्दू, 20-25 लाख आते जो जमीन खरीदूंगा उसे देखिए। तुम केस दिलवाओ यार। ठीक है फिर आज रात को बात करके बताता हूँ, पर 2 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। डन, 2 लाख तेरे पक्के, तू केस दिलवा जल्दी यार। यार ये केस मिल जाए मजा ही आ जाएगा। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया यार। एक केस है, केस लड़ना तुम्हें। केस ही लड़ने के लिए बैठे हैं? कौन सी लोंडियाबाजी करने के लिए बैठे हैं? यार मेरे छोटे वाले भाई को बनना 76 केस लगवा। अच्छा ये केस बड़ा है, पैसा भी बड़ा लगेगा इसमें। पैसे की टेंशन मत लो, पैसा बहुत है, बस मेरा भाई बच जा। तो एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, इसे पकड़, इस पते पे आ जा, इस केस के बारे में हम रात को बात करते हैं घर पे बैठ। ठीक है फिर। भाई साहब किसे केस दे दिया अपने भैया के रेप का? उसकी बहू का तो खुद रेप हुआ पड़ा, मेरे पीछे पड़ा पड़ा कई दिन से, वो बचा लो केस निपटा दो। पहले पूछ तो लेते कचहरी में आसपास, बच्चे से भी पूछोगे ना यही बताएगा नंबर वन वकील राजेंद्र त्रिपाठी, एक बार मेरे हाथ में केस आ गया ना दबोच लिया, हार नहीं सकता मैं केस किसी भी भाव, बस एक बार हमें केस दो तुम ये वाला। यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना। अबे इसीलिए तो मैं यहाँ खुद चल के आया हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है,
पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कालेपन के साथ साथ तुम्हारे भैया के लिए फिकर देखी है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे दो अपने भैया का केस। चलो ठीक है भाई साहब, केस तुम्हें दिया, बस मेरा भाई जेल से छुट्टिया में। अरे समझ लो छुट गया, अब तो तुमने केस मुझे दे दिया, लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, कल परसों को तुम्हारा भैया बाहर होगा। ठीक है फिर, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। वकील साहब पैसे चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है फिर, केस हमारा हुआ आज से, आपके भाई को आपके साथ घर भेजूंगा बाइज्जत। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुनो, मुट्ठियां मार मार के लंबाई बहुत बढ़ा ली। वकील साहब एक बात कहनी थी। हाँ काले भाई बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे भाई के खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाओ, त्रिपाठी की जिम्मेदारी है तुम्हारे भाई को बचाना। अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए। अबे वो सुवर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है, बंधो। ओए बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब कटघरे में खड़ा ये मासूम सी छकल का लड़का मासूम नहीं है बल्कि एक दरिंदा है, इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ए, ये क्या है? मैं चाहता हूँ किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा? ऐसा तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यही घोड़ी बना दे, बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रिया, यहाँ पे अदालत है। ऑर्डर ऑर्डर त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता, ये रहा सबूत, रुबीना की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी अब क्या कहोगे? जज साहब ये जो वकील साहब ने डीएनए रिपोर्ट बनवाई है उस दुकान से 10-12 डीएनए रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा मार्केट में बेहिसाब, आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट पहचान पत्र, दुनिया के काम। जज साहब कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बेइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब कोई नकली डीएनए रिपोर्ट नहीं है, मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा, अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ, मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा, इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है, इसका चेहरा तो देखो कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कनेक्ट करो इसे। आपके सामने है ये पूरा वीडियो, कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। थक कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी झूठा केस लड़ रहा तू, ऐसा ना हो इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना ना जज साहब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो इसे बच्चा समझ गया। जज साहब ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है मुझे लग रहा, माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी, जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रुबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज जज। ओए
तेरी पुप्पो की लोंडी आ गया, वो बड़ी दिलचस्पी से केस लड़ लिया तू। आपसे मतलब, मेरे पास केस आएगा तो मैं लड़ूंगा ही ना। तेरे केस लड़ने के चक्कर में मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? तो आप ऐसे लोगों का केस लेते क्यों है? अबे लूंगा मैं तो ऐसे ही केस, तू कौन होता कहने वाला? मुझे पैसा मिलना चाहिए बस। पैसों के लिए कैसे कैसे लोगों का साथ देते हैं ब्लडी फूल। हैं फूल ले रखा यहाँ कोई से पकड़ के झूल झाड़ू चल। हरवा दिया केस तूने? तूने मेरे भैया को जेल करवा दी। अरे तो तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी, बस 4 साल की तो सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखा दिए, अब तो अपनी माँ की कसम सुअर भर दूंगा तेरा। ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊंगा। और बताओ। अब कितना उल्टा सीधा बोल गया तुम्हें, और तुमने इससे कुछ भी ना कही। शुक्र बना उल्टा सीधा बोल के गया, जितना गुस्से में थप्पड़ खींचता हूँ उस पर, पूरी कचहरी पे थू थू हो जाती मेरी, सब कहते त्रिपाठी सुध गया। अब समझ में आता ना यार, करें तो करें क्या, ना तो कोई केस हाथ में आ रहा और ना हमारी इज्जत बन रही कोई। कौन है बे, इतनी पुलिस लेके जा रही है इसे? ये बीरा का छोटा भाई सैयम है, काफी दिन से जेल में है मर्डर के केस में। कोई वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भाई इतना खतरनाक है कि अगर किसी वकील ने इसका केस लिया और कोई गड़बड़ हुई तो वो जान से जाएगा। अबे तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई, ये केस तो हम लेंगे, बहुत मोटी मुर्गी है ये। अगर हम केस जीते तो सारे वकीलों में तेरे भाई की इज्जत होगी। कोई वकील लेने तैयार नहीं है केस, हमने लिया और जीते, और पैसा अलग। ओ त्रिपाठी साहब, इस केस के चक्कर में तुम ना ही पढ़ो तो हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि जिसका इसने मर्डर किया ना, तुम उसके बाप को ना जानते हो, कितना खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक हो, हमें क्या करना है? जो मैं सोच रहा हूँ वो तू नहीं सोच रहा, जरा दिमाग लगा के सोच। एक बार अगर केस जीत गए तो कितना पैसा और कितनी इज्जत। यार यार प्यार मत कर, ये बता इसका भाई बीरा मिलेगा कहाँ? कोटा। तो चल कोटा की तैयारी कर। केस अगर जीत गए ना ये वाला, तो इसमें तो घर बनवा कर दूंगा तुझे, अपना इससे अच्छा बनवाऊंगा। भाई ये वकील हैं, राजेंद्र त्रिपाठी, सैयम भाई का केस लड़ने के लिए आए हैं। तो तुम हो वकील, कितने केस जीते हो आज तक? बघेल साहब, अभी तो केस भी हाथ में न लिया, तो मंचा निकाल के पहले रख दिया इसने, भला इसी में ही चुपचाप निकल लो यहाँ से। अबे चुप, हाथी के भोसड़े, जैसा तू मोटा ना ऐसे तेरी अकल मोटी है, कोई बात ढंग की भी कर लग रहे हैं। अगर ये केस छोड़ दिया ना, करोड़पति बनने के सपने ऐसे ही फुर हो जाएंगे। तू चुपचाप बैठ रहा, मैं खुद बात कर लूंगा। क्या हुआ, कोई केस नहीं जीते क्या आज तक? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हिसाब लगा रहे थे हम दोनों कि कितने केस जीत चुके होंगे, हिसाब ही नहीं लग पाया क्योंकि अनगिनत केस जीते आज तक। जो केस त्रिपाठी के अंडर में आ गया, जज खुद कह देता, बोले केस तो फाइनल हो गया, जीत गया त्रिपाठी। सही कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। सैयम के केस के बारे में कुछ जानते भी हो या बस ऐसी मुंह उठा के आ गए? सारा पढ़ लिया मैंने, क्या केस है क्या मैटर है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप तो मुझे आज केस दे दो, कल को आपका भाई सैयम बाहर, उसके बाद सब भाई मिलकर पार्टी करेंगे, रंडियां बुलवाएंगे, एक आध को पेल भी देंगे। ओ जरा होश में, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वकील आए, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली, अगर केस हाथ में लिया तो पीछे नहीं हटने दूंगा। पीछे क्यों हटेंगे, एक बार केस ले लिया तो ले लिया, अपना सीन ऐसा ही है, पूछ लो इससे। हाँ सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी, एक बार केस ले लिया ना ले लिया। अरे तो पीछे हटने भी तो ना दूंगा, अगर पीछे हटने के बारे में सोची तो तेरे साथ साथ इसकी फैमिली और तेरी फैमिली कहाँ गायब होगी, ये किसी को पता नहीं चलेगा। चाहे तो 2-3 दिन का टाइम ले ले, सोच ले आराम से। त्रिपाठी साहब तुम तो जानो कितना खतरनाक आदमी है, 2-3 दिन का टाइम दे रिया, चुपचाप घर को चल रहे हैं, सोच समझ के बता देंगे। अबे चुप, अगर सोचने में टाइम बर्बाद करूँगा 1-2 दिन का, उस बीच किसी और वकील ने केस पकड़ लिया तो मेरे हाथ में क्या आगा टुनटुना। चुपचाप बैठा रहे, केस ही हर हाल में चाहिए मुझे। बीरा भाई सोच लिया, हमारा हो गया केस, आज से मैं लड़ूंगा। सोच ले, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। दुनिया के लिए बड़ा केस होगा बीरा भाई, मेरे लिए बड़ा केस ना, मेरे लिए बहुत छोटा केस है, इससे बड़े बड़े केस तो सॉल्व कर चुका है ये त्रिपाठी। ऐसे समझ लो ये इतना छोटा केस है मेरे लिए कि जैसे इसका लोला इतना बड़ा।
ठीक है, आज से संयम का केस तू लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरा भाई, आपने मुझ पर भरोसा करा, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बस वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा छानबीन में खर्चा आएगा, जरा सा बस, 10 लाख रुपये। 10 लाख? 5 में भी काम चल जाएगा। ए, पैसों की दिक्कत नहीं है, बस संयम बाहर होना चाहिए। ले पकड़। और सुन, मेरी नजर 24 घंटे तुझ पे रहेगी।